स्वागत है हमारे नवरात्रा स्पेशल। आज हम बनाना सीखेंगे सिंघाड़े के आटे का चिल्ला। आप लोग व्रत में कुछ स्पाइसी खाना चाहते हैं, कुछ समथिंग नमकीन, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंघाड़े के आटे का चिल्ला। चलिए आइए देखते हैं हमारे सिंघाड़े के आटे के चिल्ले के इंग्रीडियंट्स। सिंघाड़े का आटा जो कि बहुत ईजी आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। चॉप धनिया जिसको हमने धोके चॉप किया हुआ है, फिर कुछ स्पाइसेस हम इसके अंदर सेंधा नमक यूज करेंगे, बिकॉज व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम सेंधा नमक डालेंगे। काली मिर्च एंड अजवाइन। अजवाइन एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आपके चिल्ले को एक स्पाइसी फ्लेवर देता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। चलिए आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट। पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले आपने सिंघाड़े का आटा लेना है और एक बाउल में डाल देना है। बाउल में डालने के बाद विद द हेल्प ऑफ व्हिस्क हम इसमें वाटर मिलाएंगे। वाटर आपने धीरे धीरे करके मिलाना है बिकॉज जो है लम्ब्स बन जाते हैं, इसलिए हम एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। हम धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे। अब देख सकते हैं जो हमारा बैटर है वो रेडी हो चुका है। बैटर को आपने ज्यादा पतला नहीं करना, यदि ज्यादा पतला करेंगे तो जो आपके चिल्ले हैं वो फैल जाएंगे, इसलिए हमने ज्यादा पतला नहीं करना है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रखना है। इसके बाद हम डालेंगे धनिया चॉप किया हुआ, फिर हम अपने इंग्रेडिएंट डालेंगे स्पाइसेस, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पिसी हुई एंड अजवाइन। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपने चिल्ले को फ्राई करेंगे, उसके लिए हम अपने इंडक्शन पे नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे। हल्का तो ऑयल यूज करेंगे सो दैट जो हमारा चिल्ला है वो नीचे चिपके नहीं, बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, देखिए अब हम चिल्ला बनाएंगे। चिल्ला बनाने के लिए मिक्स करना है सेंटर में। इसको हम वेट करेंगे अच्छी तरह से, एक साइड से कुक हो जाएगा, बिकॉज अगर आप रॉ इसको फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हल्का सा ये कुक हो जाएगा, ऊपर से भी ड्राई हो जाएगा, इसको फिर हम फ्लिप करेंगे और दोनों साइड आपको गोल्डन ब्राउन कलर मिलेगा, तभी आपको क्रिस्पी चिल्ला मिलेगा। जैसे जैसे कुक हो जाएगा तो जो नीचे का बॉटम है वो अपने आप छोड़ने लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि एक साइड जो है वो कुक हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं इजीली निकल गया है, तो उसको हम फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आपको मिला है। जितना गोल्डन ब्राउन होगा उतना ही क्रिस्पी चिल्ले को घर में खा सकते हैं आपको, बहुत ही क्रिस्पी और खाने का भी काफी चिल्ला बना सकते हैं। इसको आप आलू की भाजी के साथ खाएं और टेस्टी लगे। हमारे चिल्ले जो है आप तैयार हो चुके हैं। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं विद आलू की भाजी या फिर टमाटर धनिया की चटनी के साथ। जरूर बताइएगा हमें आपको ये चिल्ले कैसे लगे। फॉर मोर रेसिपीज हमारे चैनल्स को इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।